स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार के दो अहम मंत्रालयों ने आज आपस में बैठक की। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और महिला कल्याण और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने ये उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें मेनका गांधी समेत 6 सचिवों ने भी हिस्सा लिया, साथ ही CBSE और NCERT के अधिकारी भी शामिल हुए। साथ ही मेनका गांधी ने कहा कि सुरक्षा मामले पर बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि गाड़ियों में महिला स्टाफ अनिवार्य रूप से रखने पर सहमति बनी है। हमारे और शिक्षा मंत्रालय के बीच में अभी एक मीटिंग हुई, हमारे सारे ऑफिसर थे। इसमें तय हुआ है कि जो सजेशंस हम लोगों ने किए हैं कोमल दिखाने के लिए हर स्कूल में, या बॉक्सो ई बॉक्स, या चाइल्ड लाइन के अलग बूथ्स बनाने के लिए, या फीमेल औरतों को बसों में लड़कियों के स्कूलों के लिए खास करके उनके लिए, या प्राइमरी स्कूलों में डालने के लिए, ये सब डिस्कस हुए हैं। और हम लोगों ने तय कर लिया है कि 6 सेक्रेटरीज मिलेंगे जिन जिन डिपार्टमेंट्स के स्कूल्स चल रहे हैं, और वो सेक्रेटरीज फिर फैसला करेंगे कि कब तक ये हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो फौरन ही हो सकती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो समय लगेगा, क्योंकि HRD के जो मंत्रालय है वो एडवाइजरी है। Yes, so they will be then now contacting the states to see how far they can push.